गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, आज हम व्याकरण का पाठ दो वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण को इंग्लिश में अल्फाबेट कहा जाता है। वर्ण की परिभाषा है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। वो हिंदी वर्णमाला का स्वरूप सबसे पहले है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर हैं। और व्यंजन होते हैं 33, क ख ग घ न च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प प ब भ म य र ल व श श स ह क्ष। और इस प्रकार उसमें कुछ आगत ध्वनियां भी होती हैं, जैसे ण अंग ज फ आदि। और इसमें 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, श त्र ज्ञ और श्र। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहा जाता है। इसके बाद स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे अ ई उ ए। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे आ ई उ। और तीसरा है प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ से तिगुना समय लगता है, जैसे ओम।